आज तो हद ही हो गई, लाइन क्रॉस हो ही गई थी भाई। देखिए बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया, पर नहीं क्या, आज तक लाइफ में मेरी ट्रेन नहीं छूटी। अंदर आ गई हूं मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी सुंदर नहीं हो अब मैं। मुझे ना नॉन एसी में ट्रैवल करना बेस्ट लगता है, पर मेरी फैमिली है कहती है तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता मैं लड़की हूं। भाई साहब ये टू है ना, थैंक यू। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन, ये मेरे बदले ही नहीं पड़ता। हाँ कोई पहली बार ही थोड़ी ना अकेले ट्रैवल करूं, ये तो समझ लो मेरा सेकेंड होम है जी। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो, आपसे बात कर रही हूं, ये सीट मेरी है 24। कमाल है। ओ बॉस, ये सीट मेरी है 24। ये पैसेज वाली सीट है ना, कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भैया मुझे पैसेज वाली सीट ही दो। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं, मगर मेरा फंडा है ना कि मेरा सफर इस ट्रेन के साथ खत्म ही नहीं होना, आगे जाना है मुझे बठिंडा। घर है मेरा, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। लोग कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है, अरे क्राउडेड मतलब क्या, क्राउड हम जैसे लोगों से तो बनता है, खुद ही भीड़ कैसे, और तकलीफ भी साला खुद ही को है। खैर मैं तो मुंबई छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। आई थी पता है कब, जब मुंबई बॉम्बे था, एक शहर के नाम में और दूसरे शहर के नाम में जा रही हूँ। खैर यहाँ रहने का ही देख लो, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, सेंट टेरेसा हॉस्टल फॉर गर्ल्स, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स। मुझे कसम है आज के बाद में कभी हॉस्टल में तो नहीं रहूंगी यार, मुझे ना नफरत हो गई हॉस्टल से। आई जस्ट हेट हॉस्टल्स, आई हेट देम। एनीवेज मैं चाहती हूँ कि बरसात के पहले ना ये रोड्स की डिगिंग विगिंग बंद हो जाए, नहीं तो पता है क्या होगा। खैर मुझे यहाँ करना है, कौन सा मुझे यहाँ रहना है, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, बट फिर भी यहाँ जो लोकल जनता है ना, अरे